हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो एनएवएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, जो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अपने पेपर दिए हैं नवंबर और दिसंबर 15 तारीख को, फाइनली उनके एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनल रिजल्ट्स विच इज़ अबाउट टू कम ऑन एक्सपेक्टेड डेट 25th of January। मतलब बताया जा रहा है कि 25 जनवरी से पहले उनका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप लोगों का रिजल्ट वास्तव में 25 जनवरी से बहुत पहले आने की भी संभावना बनने वाली है। और ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है एनआईएस के उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th क्लास में एडमिशन लिए हैं और उनके एग्जाम अप्रैल 2022 में होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे अप्रैल सेशन में अपने एग्जाम्स देंगे और जो बच्चे दिसंबर तक फाइनल एग्जाम्स दे चुके हैं, उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेशन है। देखिए, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 1 का, एनआईएस बोर्ड टू टेक ऑनलाइन एग्जाम्स, यानी कि एनआईएस बोर्ड फाइनली अब ऑनलाइन एग्जाम्स लेने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो और उसका लिंक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हमारे पॉइंट नंबर 2 से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोरोना का ओमिक्रोन एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत तेजी से पूरी इंडिया में फैल रहा है, हर स्टेट में फैल रहा है। हरियाणा क्या, पंजाब क्या, चंडीगढ़ क्या, और गुजरात क्या, वेस्ट बंगाल क्या, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल है, और इवन कि दिल्ली के अंदर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दिल्ली की गाइडलाइंस हैं, आप देख सकते हैं। इसमें रात को 8 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग चुका है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि सभी स्कूल्स कॉलेजेस प्रॉपर तरीके से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल्स थे जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ाइयाँ चल रही थी, बच्चों को ऑड इवन के तरीके से बुलाया जाता था रोल नंबर के हिसाब से, अब फाइनली पूरे स्कूल्स बंद हो चुके हैं। सभी टीचर्स को ये बता दिया गया है कि वो अपने अपने स्टूडेंट्स को, अपने अपनी क्लासेस को कॉल करके उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे कि स्कूल प्रॉपर तरीके से बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली के अंदर स्कूल्स बंद हो चुके हैं और भी राज्यों के अंदर स्कूल्स बहुत जल्द बंद होने वाले हैं। जिन भी राज्यों में थोड़े बहुत भी स्कूल खुले हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद होने वाले हैं। सिनेमा हॉल्स दिल्ली के अंदर प्रॉपर बंद हो चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि इसके अलावा ऑड इवन सिस्टम से दुकानें खुल रही हैं, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स थी जहां पर लोग भीड़ भाड़ के तरीके से जा रहे थे, बहुत भीड़ हो रहा था, वहां पर क्राउड वाला माहौल बन रहा था, वहां पर भी ऑड इवन लगा दिया गया है, यानी कि दुकानें भी अब एक छोड़ एक दुकान खुला करेंगी। अब यहां पर मैं बता दूं कि ओमिक्रोन की सिचुएशन जो है इतनी तेजी से फैलने की कारण क्या है इसके, आपको पता है जैसे कि ये क्रिसमस आया था, क्रिसमस में बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था, क्रिसमस को बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर बनाया था और जिसकी वजह से ओमिक्रोन के कुछ केसेस निकल कर आए थे और इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस निकाली थी और साथ ही अब इंडिया दिल्ली के अंदर भी गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं। फाइनली मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब सारे स्कूल्स बंद, गवर्नमेंट ने अगर स्टेप बैक ले लिया है तो इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत जल्दी क्लोज कर दिया जाएगा और इसी के साथ साथ पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगने की कभी भी सिचुएशन बन सकती है। तो अब मैनी स्टेट्स आर रेडी फॉर लॉकडाउन, यस काफ़ी राज्य हैं जो लॉकडाउन की तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट हमको समझना है, फेबररी और मार्च में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मंथ है ये मंथ्स होते हैं इलेक्शन के लिए, यानी पे इलेक्शंस होते हैं। मैं शुरू से हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि नेताओं का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि वो लोग अपनी मनमानी चलाते हैं और ये देश नेताओं से ही चलता है, आपको ही पता है भ्रष्टाचार का क्या माहौल बना हुआ है। ये नेता लोग जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ये प्रॉपर लॉकडाउन लगने नहीं देंगे, और अगर ये लॉकडाउन अभी नहीं लगता तो ये लॉकडाउन लगेगा फरवरी मार्च के बाद, और फरवरी मार्च के बाद आप लोगों को पता है कि अप्रैल 2022 ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, वो टाइम होता है जब एनआईएस बोर्ड अपने 10th और 12th क्लास का एग्ज़ाम ले रहा होता है। और इसीलिए इन सब बातों को नज़र रखते हुए एनआईएस बोर्ड ने डिसीजन लिया था कि सभी बच्चों को ये सिखाया जाए कि TMA ऑनलाइन कैसे सबमिट होंगे। तो 1 जनवरी, जो कि आपकी डेट आने वाली है 2-3 दिन बाद, 1 जनवरी से सभी लोगों के ऑनलाइन TMA सबमिट होंगे। स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन TMA भी सबमिट कर सकते हैं और साथ ही वो अपनी ऑनलाइन फ़ीस भी जमा कर सकते हैं अप्रैल 2022 की, यानी कि अपनी एग्ज़ाम फ़ीस अप्रैल 2022 की बच्चे जो जमा करना चाहते हैं वो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक विदाउट लेट फीस जमा कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 10th और 12th क्लास के बच्चे, जिस हिसाब से ये माहौल बना हुआ है, यानी कि जो कोरोना का ओमिक्रोन जिसने पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन जैसी माहौल बनाने की स्थिति पैदा कर दी है, तो स्टूडेंट्स अभी क्या सोच रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए खुद को कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें और अपने आप को उस सांचे में ढालें जिस सांचे के अंदर ढलने के बाद आप लोग NMS बोर्ड के अप्रैल 2022 के ऑनलाइन पेपर्स को सही से अटेम्प्ट कर पाओ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के
तैयारी में है, क्योंकि इस बार इंडियन इकोनॉमी डाउन नहीं जाएगी। भले ही लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन लोगों को अब समझ में आ गया है कि ऑनलाइन का कितना बड़ा रोल है, और वो बात NMS बोर्ड ने भी फाइनली समझी और उन्होंने सब काम ऑनलाइन निकाल दिए। तो हो सकता है ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि NMS बोर्ड अप्रैल 2022 के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही लेगा अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी। अब आप कब तक वेट करेंगे कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा? दोस्तों, सवाल लॉकडाउन लगेगा या ना लगेगा इसका नहीं है, सिर्फ इस मुद्दे का है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों या ना हों, आपको तो अपनी पढ़ाई करके रखनी है। और इवन एक बात और ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे तो आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, तो इस भूल में मत रहना। ऑनलाइन अगर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना होता है, और उसके अंदर हर एक चैप्टर को बहुत सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस चैप्टर्स की बहुत बारीकी से निकाले जाते हैं, और चैप्टर्स के क्वेश्चन जो बारीकी से निकाले जाएंगे उसी तरीके से आपको उनके आंसर्स भी देने पड़ेंगे। और उसको सही से समझने के लिए आपको पूरे चैप्टर को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू स्टडी एट एनी कॉस्ट, आपको पढ़ना ही है। बस अब ये समझ लीजिए आपकी सारे, अब आप ये समझ लीजिए कि लॉकडाउन की स्थिति के अंदर सारे स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, जाहिर सी बात है कि जिम बंद होंगे, स्पा बंद हो चुके हैं, होटल्स बंद हो चुके हैं, इवन कि सिनेमा हॉल्स बंद हो चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी बंद हो चुके हैं। मैं खुद अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दिल्ली के अंदर चलाता हूँ, मेरी 4 ब्रांचेस हैं, सब बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सोच के देखिए कि अब आप पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास पढ़ने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो NMS बोर्ड की बुक्स आपके घर पे हों, आप सेल्फ स्टडी करने में माहिर हों, आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी करते हों, आपको खुद पे भरोसा हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको सच में चाहिए कि गाइडलाइंस की ज़रूरत है आपको, आपको एक दिशा निर्देशक की ज़रूरत है जो आपको राह बताए कि आपको किस तरीके से चलना है। मेहनत आपकी होगी, तरीका वो बताए और आप फर्स्ट आए, आपकी परसेंटेज 70+ जाए, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लास लेना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि MG एजुटेनमेंट चैनल, जिसका वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस चैनल पे हमने प्रेजेंट किया है ऑनलाइन क्लासेस जिसका मात्र प्राइस है 699 रुपीज़ ओनली। दोस्तों, 699 रुपये मात्र देकर आप अपनी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं। अब आप मुझसे पूछिए, सर कैसे होगा ये? तो मैं आपको बता दूं, ऊपर WhatsApp नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और वहाँ पर सिर्फ आपको एक मैसेज टाइप करना है WhatsApp पे कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर क्लासेज, डजेंट मैटर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th और 10th, लेकिन आपको ये लाइन लिखनी है। तुरंत हमारी टीम या मैं पर्सनल आपसे संपर्क करूंगा WhatsApp पे और आपको रिप्लाई करूंगा, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑनलाइन क्लासेस का चार्जेस कितना है। दोस्तों, 699 रुपीज़ आपको अप्रैल तक, जब तक आपके पूरे पेपर नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ एक ही बार ये फ़ीस पे करनी है, और हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। इसी में आपको सारे TMA फ्री मिलते हैं, सारे PDF फ्री मिलते हैं, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इवन कि प्रैक्टिकल के टाइम पे प्रैक्टिकल की फाइल किस तरह से बनेंगी, उसमें वाइवा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी की जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सिर्फ इसी अमाउंट के अंदर। यू हैव टू पे ओनली 699 रुपीज़। बाकी की जानकारी चाहिए तो ऊपर WhatsApp नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और जानकारी ले लीजिए। दोस्तों, ऑनलाइन आ जाइए, पूरा इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टूडेंट्स, यू नीड टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू हैव टू अपियर इन अप्रैल 2022 एग्जाम्स, दैट टू ऑनलाइन। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे इतना ही कहूँगा कि सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, अपनी सीट बेल्ट को कस लीजिए, ओमिक्रॉन बहुत घातक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, और अप्रैल के एग्ज़ाम्स किसी भी वक्त ऑनलाइन की घोषणा हो सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी बना के रखिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपने आप को सेफ जोन पे रखिए। बाहर मत जाइएगा क्लास लेने के लिए, क्योंकि बाहर माहौल क्लास लेने लायक नहीं है। आप लोग ऑनलाइन क्लास लीजिए, घर बैठे लीजिए, ये सारी सुविधा आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप यहाँ से भी इस सुविधा का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। ऊपर WhatsApp नंबर है, ज्वाइन करिए फास्ट।